आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ अपने घर को, जो कि मैं इनकम्प्लीट छोड़ दिया था पिछले के पिछले वीडियो में। और आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड किशन, जो कि मेरा हेल्प करेगा इस घर को पूरा बनाने में। तो लेट्स स्टार्ट। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने शुरुआत किया अपने घर के दरवाजे को बना के, और दरवाजे को बनाने के बाद मैं घर के बाउंड्री को बनाने में लग गया। बाउंड्री को बनाने के बाद मैं घर के वॉल्स को बनाने में लग गया। एंड वॉल जब तैयार हो गया, उसमें थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करने के लिए मैं कहीं कहीं पे प्लैंक्स लगा दिया, रैंडम जगहों पे। प्लैंक्स लगाने के बाद मैंने नीचे में सारे जगह पे लीफ लगा दिया, ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर ऐड हो जाए मेरे घर में। लीफ ऐड होने के बाद मैंने काफ़ी जगह पे स्लैब और स्टेयर्स यूज किया स्टोन का, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखने लगा था घर। उसके बाद मैंने अपने छत को पूरा ढक दिया, एंड देन आगे ऊपर के फ्लोर पर मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरा फ्रेंड भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था, तो मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो गया था उसके कारण। और मैंने चारों तरफ पहले पिलर्स लगाए, फिर वॉल लगाया, फिर विंडो वगैरह लगाए। सारा कुछ लगाने के बाद मेरा छत लगभग कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैं लग गया ऊपर का आउटलाइन बनाने में, जो कि काफी ज्यादा सही दिख रहा था। तो जैसे ही घर का आउटलाइन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया उसके बीच में स्टेयर्स को फिल करना। और स्टेयर्स को फिल करने के बाद मेरा घर हो चुका था फुली कंप्लीट। और अब तुम लोग म्यूजिक एंजॉय करो। मुझे तो ये घर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, और तुम लोग को कैसा लग रहा है घर प्लीज मुझे कमेंट में बताना। और पीछे तुम लोग देख सकते हो, मैं और मेरा दोस्त किशन दोनों इस घर का व्यू ले रहे थे उस वक्त, कि घर ऊपर के एंगल से कैसा दिखता है। तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। प्लीज़ एक लाइक कर दो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो।